नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जून, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आज, जान ले ये जरूरी बातें। कपोलक जलप्रपात का सौंदर्यकरण का काम हुआ पूरा। अगले 4 महीने तक बिहार में बालू खनन पर रहेगी रोक। बिहार में होटल थीम रेस्टोरेंट व गोल्फ कोर्स बनाने पर मिलेगा 25 करोड़ का अनुदान। अब अनजान नंबर से कॉल आने पर यूजर का भी दिखेगा नाम। आईसीसी की गलती की वजह से रद्द हुआ भारत कनाडा का मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। PGCIL ने 400 से भी अधिक इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों पर निकाली भर्ती। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL ने सब्सिडरी कंपनी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 400 से भी अधिक इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार careers.powergrid.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 जुलाई है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपके पास न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हो, साथ ही गेट 2024 परीक्षा में वैलिड स्कोर प्राप्त किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आज, जान ले ये जरूरी बातें। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ओर से आज 16 जून को सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी उम्मीदवार को परीक्षा सेंटर में घुसने से पहले परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश को पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसके लिए आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर और upsconline.nic.in पर जाकर दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2024 को पहले 26 मई की तारीख को आयोजित किया गया था, जिसे बढ़ाकर 16 जून के लिए पुनः निर्धारित किया गया। ककोलत जलप्रपात का सौंदर्यकरण का काम हुआ पूरा, सीएम नीतीश जल्द करेंगे उद्घाटन। नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात का सौंदर्यकरण कार्य वन विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिस वजह से पिछले वर्ष से ककोलत को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं अब जानकारी के अनुसार ककोलत में सौंदर्यकरण का काम पूरा हो गया है और जल्द ही इसके उद्घाटन के लिए सीएम नीतीश आ सकते हैं। प्रशासनिक तौर पर चर्चा के अनुसार कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश 24 जून को ऐतिहासिक शीतल जलप्रपात ककोलत में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सीएम के आगमन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले 4,75,000 पदों पर नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। नीतीश सरकार द्वारा जल्द ही बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बंपर बहाली निकाली जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 4,72,976 पदे रिक्त हैं, जिन पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा वैकेंसी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि इन सभी रिक्त पदों को 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भरा जाएगा। बता दें कि सीएम नीतीश पहले ही 2025 के चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की बात कह चुके हैं। अब अनजान नंबर से कॉल आने पर यूजर का भी दिखेगा नाम। कई बार हमारे फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये फोन किसका है। ऐसे में कई बार लोग ठगी के भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब कई टेलीकॉम कंपनियां नंबर के साथ ही यूजर्स को उसका नाम भी शो करेगी ताकि लोग अनजान नंबर को पहचान सके। हालांकि कई बार इसके लिए लोग ट्रू कॉलर जैसे ऐप का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ट्रू कॉलर पर भी नाम बदला जा सकता है। इसलिए टेलीकॉम कंपनी ने फोन में किसका कॉल आ रहा है उसका नाम स्क्रीन पर शो हो सके इसकी योजना बनाई है। इसका ट्रायल का फिलहाल हरियाणा और मुंबई में शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि 15 जुलाई से यह पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। अगले 4 महीने तक बिहार में बालू खनन पर रहेगी रोक। बिहार में 15 जून से लेकर अगले 4 महीने तक यानी कि 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर रोक लगा दिया गया है। इस मामले में आदेश जारी करते हुए राज्य के खान निदेशक द्वारा सभी जिलों के SP को पत्र भेजा गया। बता दें कि मॉनसून को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के आदेश पर यह कदम उठाया गया ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। अब अगले 4 महीने तक राज्य के किसी भी बालू घाट से बालू का उठाव नहीं होगा।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गृहिंड पहाड़ के बारे में। यह पहाड़ शेखपुरा जिले में स्थित है। बोलचाल की भाषा में लोग इसे गृहिंडा पहाड़ भी कहते हैं। इस पहाड़ की ऊंचाई करीब 800 फीट है। इस पहाड़ की चोटी पर आपको शिव पार्वती मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। इस मंदिर को लोग कामेश्वर नाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल जितना पुराना माना जाता है। ऐसी मान्यताओं के मुताबिक यहां पर सच्चे मन से मांगी गई मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। शहीद जवान को पटना एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि, सीएम ने जताया शोक। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा में शाम के समय में जवानों की एक वाहन खाई में गिर गई थी, जिस वजह से बिहार के मधेपुरा का एक जवान शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान और सैनिक सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं सेना के हवलदार जवान की शहादत पर सीएम नीतीश ने भी शोक जताया। बता दें कि जवान की पहचान गैलाड प्रखंड के झिटकिया पंचायत के पथराहा वार्ड नंबर 8 निवासी बिंदेश्वर यादव के बेटे पवन कुमार के रूप में हुई है। उनकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है। बुडको के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए बनाई जाएगी यूनिट। राज्य में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए एक अलग यूनिट बनाई जाएगी, जिसमें 18 तकनीकी विशेषज्ञ अधिकारी रहेंगे, जो अलग अलग शहरों में जाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता को परखेंगे। इस संबंध में बुडको की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। बता दें कि देश के कई राज्यों में विकास कार्यों की निगरानी के लिए ऐसे यूनिट बनाए गए हैं, जिसके सार्थक परिणाम देखने को मिले हैं। बुडको के अधिकारियों का कहना है कि यूनिट से न केवल कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगी, बल्कि समय पर काम भी पूरे होंगे। मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का रखें ख्याल। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य बीमा यानी मेडिकल इंश्योरेंस लेते होंगे। मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय हमें कई बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, वरना आगे चलकर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना जरूरी होता है कि आपका सम इंश्योर्ड कितना है। सम इंश्योर्ड यानी घटना के समय दी जाने वाली पूरी राशि। इससे आपको भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान अपने पॉलिसी के वेटिंग पीरियड को भी ध्यान में रखें, क्योंकि इस अवधि के खत्म होने के बाद ही आप पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे। वेटिंग पीरियड ज़्यादा होने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस दौरान क्लेम रेशियो भी चेक करना ना भूलें। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शेखर सुमन के बारे में। शेखर सुमन एक बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं। इनका जन्म 4 मई 1983 में बिहार के पटना में हुआ था। यह कई फिल्म और टीवी प्रोग्राम में काम कर चुके हैं। अभी हाल में ही ये संजय लीला भंसाली की प्रसिद्ध सीरीज हीरा मंडी में जुल्फिकार की भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा ये चोर मचाए शोर, एक से बढ़कर एक जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा टीवी प्रोग्राम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जज की भूमिका में भी नजर आ चुके हैं। EPFO के सदस्यों को अब नहीं मिलेगी एडवांस राशि निकालने की सुविधा। एडवांस राशि निकालने के नियम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत COVID-19 की एडवांस सुविधा अब नहीं दी जाएगी। इस सुविधा को बंद करने की वजह है कोविड जैसी महामारी का अब समाप्त होना। ट्रस्टों को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है, उन पर भी अब यह नियम लागू नहीं होगा। मालूम हो कि EPFO सदस्यों के लिए खातों से नॉन रिफंडेबल एडवांस देने का प्राविधान श्रम मंत्रालय की तरफ से जून 2021 में किया गया था, जिसका कई लोगों ने लाभ उठाया। बिहार में होटल थीम रेस्टोरेंट व गोल्फ कोर्स बनाने पर मिलेगा 25 करोड़ का अनुदान। बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टमेंट मीट में पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर ने कहा है कि निवेशकों को बिहार में होटल थीम रेस्टोरेंट पार्क मेडिटेशन सेंटर गोल्फ कोर्स आदि बनाने पर 25 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बिहार में दफ्तर खोलना होगा और GST नंबर लेना होगा।
उत्तर बिहार में बारिश की संभावना तो वहीं दक्षिण बिहार में गर्मी से परेशान है लोग। अभी तक प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन मौसम में परिवर्तन फिलहाल उत्तर बिहार में ही नजर आने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण बिहार के लोगों को अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। हालांकि आज केवल बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। अन्य जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। पटना के एक्सिस बैंक में पिस्टल की नोक पर हुई लाखों की लूट। बिहार की राजधानी पटना के बिहटा थाना के पास देवकुली स्थित एक्सिस बैंक में लूटपाट का मामला सामने आया है। करीब 4 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार की मदद से बैंक में घुसकर लाखों रुपयों की लूट को अंजाम दिया। पिस्टल का डर दिखाकर बैंकों की तिजोरी से करीब 17,50,000 रुपए एवं बैंक के ग्राहक गणेश चौधरी से 41,000 और एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी से करीब 1,45,000 यानी कि कुल 19,50,000 की लूट कर फरार हो गया। वहीं घटना की खबर मिलते ही पटना पश्चिम सिटी एसपी और डीएसपी मौके पर पहुंचे। वहीं मामले में पुलिस छानबीन कर रही है और बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से सुराग तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। पटना में 20 लाख का शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के पुलिस द्वारा ठाकुर बाड़ी रोड स्थित पलाई गोदाम से 20 लाख रुपए का शराब बरामद किया गया। पुलिस को चकमा देने के मकसद से शराब को ड्रम में छिपा कर रखा गया था और ऊपर से इस पर लकड़ी का बुरादा छिड़क दिया गया था। बता दें कि मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी टाउन अशोक कुमार ने बताया कि शराब तस्करी के खबर मिलने पर पुलिस द्वारा छापेमारी कर शराब को जब्त किया गया। वहीं रेड के दौरान एक रजिस्टर बरामद हुआ है जिसमें तस्करों का हिसाब लिखा हुआ है। खटाखट वाला 1 लाख लोन लेने बैंक पहुंची सैकड़ों महिलाएं। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पिछले दिनों सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय को घेर कर खटाखट 1 लाख रुपए लेने के लिए पहुंच गई थी। अब वैसा ही मामला बिहार में देखने को मिला है। बिहार के कैमूर में शनिवार को सैकड़ों महिलाएं बैंक पहुंच गई और खाता खुलवाने की जिद करने लगी। महिलाओं का मानना था कि खाता खुलवाते ही उनके खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। हालत इतनी खराब हो गई कि पुलिस बुलाकर काबू करना पड़ा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि अगर केंद्र सरकार बनती है तो देश की हर महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। लोजपा रामविलास से पूर्व विधायक शंकर सिंह ने दिया इस्तीफा। लोजपा रामविलास से पूर्व विधायक शंकर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रुपौली विधानसभा से निर्दलीय उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बता दें कि शंकर सिंह पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में एनडीए से टिकट कटने से नाराज थे। वहीं शनिवार को डॉलर हाउस चौक स्थित निज निवास में प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने बताया कि वो 20 जून को रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की अचानक बिगड़ी तबीयत। शनिवार को अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको पटना के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह सीएम के हाथों में तेज दर्द उठा, जिसके बाद मेदांता हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में उनका इलाज चला। प्रशांत किशोर के निशाने पर सीएम नीतीश और लालू यादव। शनिवार को बांका में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमकर आलोचना की। उन्होंने सीएम नीतीश पर बात करते हुए कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छुए हैं। तो वहीं लालू यादव को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव यादव के नेता माने जाते हैं, मगर उन्होंने किसी यादव को आगे नहीं बढ़ाया। वे परिवार को आगे बढ़ाते हैं और बेटा बेटी के लिए काम करते हैं। आईसीसी की गलती की वजह से रद्द हुआ भारत कनाडा का मुकाबला। शनिवार को भारत और कनाडा के बीच होने वाला मैच फ्लोरिडा में हो रहे लगातार बारिश की वजह से रद्द हो गया। शनिवार को भारत और कनाडा के बीच मुकाबला फ्लोरिडा के लॉडर हिल के सेंट्रल ब्रोबार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाना था, जो फ्लोरिडा में हो रहे लगातार बारिश की वजह से नहीं हो पाया। इसी स्टेडियम में शुक्रवार को अमेरिका और आयरलैंड का मैच होना था।
मगर बारिश की वजह से वो मैच भी नहीं हो पाया था और आईसीसी ने मैदान को कवर नहीं करके सिर्फ पिच को कवर कराया था। मैदान खुला होने की वजह से गीला ही रहा और काफी कोशिशों के बाद भी मैच नहीं हो सका। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1858 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई थी। आज के ही दिन वर्ष 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी थी। इसी समय एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए शिल्पा को सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा गया था। आज के ही दिन वर्ष 2008 में मशहूर शायर वसीम बरेलवी को प्रथम फिराक गोरखपुरी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी समय विश्व में इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी आर्सेलमिटल मित्तल ने अमेरिका कंपनी बंबू स्टील का अधिग्रहण किया था। आज के ही दिन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक रोहित श्रीवास्तव का वर्ष 1976 में जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड पर मिलने वाले 3000 रुपए के बारे में। एक YouTube चैनल नीति ज्ञान फोर यू के थंबनेल में यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3000 रुपए के साथ एक गैस चूल्हा और एक सिलेंडर दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना संचालित नहीं की जा रही है। इस तरह के खबरों पर ध्यान देने से बचें। बिना सत्यता की जांच किए किसी भी खबर को फॉरवर्ड भी ना करें। PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस खबर को फर्जी बताया है। सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदना पड़ सकता है भारी। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कम बजट के कारण सेकेंड हैंड स्मार्टफोन ले लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो यह आप पर भारी भी पड़ सकता है। यहां तक कि सस्ते सेकेंड हैंड फोन के चक्कर में आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसमें OLX, फेसबुक मार्केट प्लेस आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि इन जगहों पर चोरी किए गए फोन भी हो सकते हैं। कई बार तो हमें डब्बे में बिल के साथ मिलने वाला फोन भी असली ही लगता है, लेकिन फोन के बिल को सही से मिलाना भी जरूरी है, वरना आपके हाथ में नकली बिल भी थमाए जा सकते हैं। इसलिए जब भी फोन ले उसके IMEI नंबर को चेक जरूर करें, साथ ही सर्विस सेंटर से चेक करवाना ना भूलें। इस कोड की ट्रेन टिकट जल्दी होती है कंफर्म। हम में से कई लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेन से सफ़र करना काफ़ी आरामदायक और किफ़ायती होता है, लेकिन पर्व त्यौहार में ट्रेन में टिकट पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। ऐसे में कौन से कोड की टिकट है जिसका कंफर्म होना संभव है, आज हम उसी टिकट कोड के बारे में आपको बताएंगे। आपने कई बार टिकट में कई कोड देखे होंगे, जैसे GNWL, RLWL और RAC आदि। इस कोड से ही समझ पाते हैं कि हमारे टिकट के कंफर्म होने के कितने चांसेस हैं। तो आपको बता दें कि यदि आपका टिकट RAC का आया है तो आप समझ जाइए कि आप यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट में टिकट पर RAC कोड है, तभी सफर करना ठीक है। हालांकि इस दौरान भी आपको एक बर्थ को दो लोगों के साथ शेयर करना होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत का उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र, या ऑप्शन डी गंगा का मैदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महिपाल प्रथम, ऑप्शन सी देवपाल या ऑप्शन डी गोपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मपाल। 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी थी। यह उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई? ऑप्शन ए मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी इलाहाबाद से नैनी, ऑप्शन सी आगरा से दिल्ली या ऑप्शन डी मुंबई से नासिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलाहाबाद से नैनी। पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी ठाणे या ऑप्शन डी नासिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुणे।
मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि की थी? ऑप्शन ए आयरकूट, ऑप्शन बी स्टीफनसन, ऑप्शन सी विलेल्सली, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकार्टनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड मैकार्टनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, पंकज कुमार दास, मोतीलाल कुमार, राजीव कुमार, सादुल्लाह पालवी, नौसाद रजा, राजकिशोर महतो, उमेश ऋषिदेव, नन्नू गोपाल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपका पसंदीदा बिहार के अभिनेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।